एजीसी विद ट्विन ट्रायोड, यानी इसमें क्या होगा कि दो ट्रायोड का यूज होगा। कीड एजीसी, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि इसका नाम है, ये ट्विन ट्रायोड है जो कि एजीसी वोल्टेज, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वोल्टेज को जनरेट करेगा। इसके दो सेक्शन होते हैं, ट्विन ट्रायोड यानी कुछ इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है कि दो ट्रायोड एक ही साथ कनेक्टेड होते हैं। ये एक ट्रायोड है, ये दूसरा ट्रायोड है। P1 P2 टू प्लेट्स, ये ग्रिड 1 होती है, ये ग्रिड 2 होती है, ये कैथोड 1 है, ये कैथोड 2 है। अब देखिए जो इसका पहला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन प्लेट 1, ग्रिड 1 और K1, ये इसका यूज, इस सेक्शन को V1 सेक्शन से डिनोट किया गया है। ये जो V1 है इस सेक्शन से डिनोट किया गया है। तो इसका यूज डीसी वोल्टेज को डेवलप करना होता है। कितनी डीसी वोल्टेज, जो कि प्रोपोर्शनल होगी पीक वैल्यू के, जो भी इनपुट सिग्नल आएगा उतनी ही प्रोपोर्शनल डीसी वोल्टेज को डेवलप करेगा। और दूसरा ट्रायोड, जो कि ये वाला ट्रायोड है, P2 G2 K2, जिसे V2 से डिनोट किया गया है, V2, ये क्या कहना, ये कनेक्टेड होता है कीड एजीसी एक्शन के लिए। इसमें क्या होता है कि वीडियो जो सिग्नल होता है वो डीसी कपल्ड होता है, जो कि ग्रिड 1 पे आता है। पहले इसका वो देखते हैं कंस्ट्रक्शन। यहां से हमारा वीडियो एम्पलीफायर सिग्नल आएगा, R1 और C1। जो भी वीडियो सिग्नल आता है उस सिग्नल को इस नेटवर्क के थ्रू ग्रिड 1 पे प्रोवाइड किया जाता है। ये जो नेटवर्क है इसे कंपनसेटिंग नेटवर्क बोलेंगे, यानी कि वीडियो सिग्नल जिसमें डीसी कपल्ड होता है वो ग्रिड पे प्रोवाइड किया जाता है, V1 की ग्रिड पे, एक कंपनसेटिंग नेटवर्क के थ्रू। और ये क्या होता है कि इसका जो कैथोड होता है, यही सिग्नल कैथोड पे भी कनेक्टेड होता है। कैसे, रेजिस्टर R3 के थ्रू। R3 ये वाला रेजिस्टर जो कि ग्रिड 2 के साथ कनेक्टेड है, V2 की ग्रिड के साथ, 2 के साथ। देखिए ये एक तरह से लोड रेजिस्टर की तरह एक्ट करता है। जो टाइम कांस्टेंट होता है R3 का, वो पैरेलल, जिन जो रजिस्टर R3 है वो पैरेलल कनेक्टेड होता है C3, कैपेसिटर C3 के साथ। और जो रजिस्टर, ये जो हमारी इसकी वैल्यू होती है थोड़ी लार्ज होती है। जो लाइन पीरियड होता है ना 64 माइक्रो सेकेंड का, ट्रेस और रिट्रेस, 64 माइक्रो कंप्लीट लाइन पीरियड, उसके कंपैरिजन में लार्ज होती है। वीडियो देखिए जो भी डेवलप होती है वो सेक्शन, जो भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में डेवलप होगी, यहाँ पे जो भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में डेवलप होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि इसमें डीसी वोल्टेज प्रोपोर्शनल होगी सिंक पल्स की पीक वैल्यू तक। ठीक है ना। अब देखिए इसका आगे का जो सर्किट है वो देखते हैं। जो प्लेट 2 है ये हमारी कॉइल के साथ कनेक्टेड है, यहां से हमारे पास फाइव बैक पल्सेस आती हैं। इसके अलावा यहाँ से बी पॉजिटिव सप्लाई जो कि 250 वोल्ट की होती है, यहाँ से यहाँ पे हमारा डिलेड एजीसी जो भी हमारेगा RF सेक्शन पे, डिलेड RF एजीसी सेक्शन पे जाएगा। इसके बीच में यहाँ से हमारा IF ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सेक्शन पे रजिस्टर R7 और R8 के थ्रू जाता है, और R6 ये डायोड 1 के साथ कनेक्टेड होगा, ये कैपेसिटर C4 जो कि 2 माइक्रो फैरेड का है, और यहाँ से डिले एजीसी पे हमारा जो भी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल है वो, जो भी हमारे वोल्टेज आएगी वो जाएगी, और यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पे जाएगी, सेक्शन पे जाएगी। तो ये इसका, अब इसके आगे वर्किंग देखते हैं। देखिए क्या होगा कि जो डायरेक्ट कपलिंग होती है ग्रिड की, ये यहाँ पे, यहां से तो हमारी फ्लाईबैक पल्सेस आती हैं। क्या होगा इसमें, यहां से तो हमारा वीडियो सिग्नल आएगा, जो वीडियो एम्पलीफायर के थ्रू सिग्नल आता है वो कंपनसेटिंग नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे जाएगा, और यहां से हमारी फ्लाईबैक, ये जो सिग्नल होगा ये 50 वोल्ट पीक टू पीक होगा। दूसरे से यहाँ से हमारी फ्लाईबैक पल्सेस आएंगी, ये हमारी फ्लाईबैक पल्सेस होती हैं जो कि 40 वोल्ट की होती हैं पीक टू पीक। अब इसे डायरेक्टली कपल्ड किया जाता है फ्लाईबैक पल्सेस को, यहाँ से कैपेसिटर C2 के थ्रू इस सेक्शन पे, प्लेट 2 V2,
डायरेक्ट कपलिंग किया जाता है, यानी वी टू पे प्रोवाइड किया जाता है, जो दूसरा ट्रायोड है इस पे प्रोवाइड किया जाता है और उसे ग्रिड पे जाती है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लाईबैक पल्सेस होती हैं, इंटरवल होता है उसका, उसमें जो चार्ज कैपेसिटर सी टू है वो चार्ज करेगा, यानी ये जो होगी इसमें कैपेसिटर सी टू चार्ज करेगा। और जो सिंक पल्सेस के बीच का डिफरेंस होगा, ये वाला जहां से यहां से हमारा सिग्नल जा रहा है, सिंक पल्सेस के बीच का डिफरेंस होगा, इसमें कैपेसिटर सी टू डिस्चार्ज करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरह से ये डिस्चार्ज करेगा। जब भी ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा उस टाइम पे इस डायरेक्शन में, तो ये जो पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए, इस पॉइंट पे एक नेगेटिव वोल्टेज जनरेट होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और जो पुट आर फाइव है, ये जो आर फाइव है हमारा, ये वाला आर फाइव है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर आर फाइव ये वेरी करेगा और एडजस्ट करेगा बायस वोल्टेज को, ये वाली वी टू की जो बायस वोल्टेज होगी उसे एडजस्ट करेगा और परमिशन देगा एक पर्टिकुलर कंडक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वोल्टेज के लिए, जिसे इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ बोलेंगे। उसको इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ से भी डिनोट किया जाता है। और अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग नॉइस पल्स आती है यहाँ पे ग्रिड टू पे, ग्रिड टू पे, ये वाली जो ग्रिड टू है, अगर कोई भी सिग्नल में स्ट्रॉन्ग नॉइस पल्स आती है तो ग्रिड टू पॉजिटिव हो जाएगी। यानी सिग्नल में कोई स्ट्रॉन्ग नॉइस पल्स आई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इस वाले ट्रायोड में ये जो ग्रिड टू है वो पॉजिटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड के टू, इसके रिस्पेक्ट में, और एक क्लैंपिंग एक्शन प्रोड्यूस होगा। नॉइस पल्स जो होती है वो प्रिवेंट करती है, यानी कि मींस टू से कि उसे प्रिवेंट किया जाता है ताकि वो आगे ना जाए, यानी कि जो एजीसी वोल्टेज डेवलप हो रही है वो प्रॉपरली डेवलप हो, नॉइस की वजह से कोई उसमें डिस्टोर्शन ना आए। और रेजिस्टर आर सेवन और आर एट, ये दोनों रेजिस्टर्स एक पोटेंशियल डिवाइडर की तरह वर्क करेंगे। जो भी वोल्टेज डेवलप होगी फिल्टर सर्किट में, फिल्टर सर्किट जो कि आर एट और सी फाइव इसके बीच में जो भी वोल्टेज डेवलप होगी उसे इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी सेक्शन पे रिसीवर के प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा रजिस्टर आर सेवन और आर टेन, आर सेवन और जो हमारा रजिस्टर आर टेन, ये वाला रजिस्टर 4.7 एम का, इसको चूज किया जाता है ताकि अगर लो आरएफ सिग्नल लेवल पे भी जो डायोड वन है वो कंडक्ट करता रहे और फॉरवर्ड बायस रहे बी पॉजिटिव सप्लाई से। और जो पॉइंट बी है ऑटोमेटिक गेन सर्किट का, ये वाला पॉइंट बी, ये क्या होगा ऑटोमेटिक गेन सर्किट का, ये क्लैंप करेगा ग्राउंड पे और जो एजीसी वोल्टेज है वो जो हमारे आरएफ सेक्शन है, तब कोई भी एजीसी वोल्टेज आरएफ एम्पलीफायर पे नहीं जाएगी। अगर कोई भी चेंज आता है नेगेटिव पोटेंशियल में, यानी कि अगर पॉइंट ए में कोई भी चेंजमेंट आती है जिसमें नेगेटिव पोटेंशियल है, ये क्या करेगा, ये इसका काम जो होगा, इसके पॉइंट में कोई भी चेंज आने से, पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल में कोई भी चेंज आने से जो बी है उसमें भी क्या होगी, चेंजमेंट आएगी। देखिए ए इफेक्ट करता है पॉइंट बी के पोटेंशियल को और आइसोलेटिंग रेजिस्टर इनके बीच में लगा हुआ है, ये वाला रेजिस्टर जो कि आइसोलेटिंग रेजिस्टर है। अगर किसी भी कंडीशन में इनपुट स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो एक स्ट्रॉन्ग चैनल की सिलेक्शन होती है, यानी अगर इनपुट स्ट्रेंथ इंक्रीज है मतलब कि जो चैनल
आ रहा है, जिसका सिग्नल आ रहा है वो स्ट्रोंग है, तो उस कंडीशन में जो पॉइंट ए है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और जो वोल्टेज लेवल है पोटेंशियल बी पॉइंट का वो चेंज हो जाएगा। अगर सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है तो बी भी उस टाइम पे नेगेटिव रहेगा और ए मोर नेगेटिव रहेगा। इससे डायोड डी वन रिवर्स बायस होगा और रिमूव कर देगा क्लैंपिंग एक्शन को, और फुल एजीसी वोल्टेज उस टाइम पे प्रोड्यूस होगी जो आरएफ एम्पलीफायर एजीसी बायस लाइन पे प्रोवाइड होगी। यहाँ पे ये जो हमारा डिलेड आरएफ एजीसी सेक्शन पे उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ये है कीड एजीसी विद ट्विन ट्रायोड। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।